जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र गांव गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड चाट डायरेक्टरी में। कराएं चाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके चाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ चाट जागरण के साथ। जय जाट। मेरे भाइयों, मैं पिछले दिनों से कुछ कोर्ट में बैठा ये पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा कोर्टों में केस किसके हैं। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा, सबसे ज़्यादा कोर्ट में जो केस हैं, जो लुट पिट रहे हैं, वो जाट भाई हैं। उसकी वजह क्या है? नट शैल में एक ही वर्ड निकल के आया, बंटवारा। बंटवारे का मतलब दो भाइयों का या तीन भाइयों का डिवीज़न प्रॉपर्टी और बाप के पैसे का। जब दो भाई अलग होते हैं तो मैं यहाँ उनके पिता या अपने जाट भाइयों को बिल्कुल आज एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, भेदभाव मत कर, दोनों तेरे हैं भाई, तीनों तेरे हैं। चलो ठीक है, एक थोड़ा उद्दंडी हो सकता है, तेरी बात नहीं मानता हो, एक थोड़ा ज़्यादा मानता हो तो काम को जहाँ भी सुन लो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे इसराइल, कोई भी जहाँ भी बंटवारे का झगड़ा हुआ है वहीं खून के फव्वारे फूटे हैं और वहीं पर आखिर में कलेश हुआ है। इज्जत से बिठा के दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को, सबको समझा के, भाई मेरे पास ये है, ये है, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा है, उसके बाद थारा है, या तीन इससे चार इस करके भाई ये है। जहाँ डिफरेंस आ गया मेरे जाट भाइयों, सुन लो, समझ लो, आप तो करके जा रहे हो लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर बो के जा रहे हो। फिर वो कोर्ट जाएंगे क्यों? वो भी जिद्दी जाट है, है तो थारे ही। तुमने अगर ठीक बंटवारा नहीं किया तो थारी औलाद भी थारी, वो भी जाट है, मानना तो अभी ना चनास हो जाइयो भाई, छोड़ूंगा नहीं। अब वो छोड़ूंगा नहीं चक्कर में वो जमीन भी बिकेगी, उनकी बेइज्जती भी होगी। और कई जगह तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी है, ये नसफगढ़ का सबसे बड़ा उदाहरण है, 3 एकड़ जमीन की, 3 बीघे जमीन के लिए 70 आदमी मर चुके हैं, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भाई बणियों से सीखो ये बात, 2 रुपये कम ले लो तो गम खा लो, कम खा लो। और आज तक तो मैं अपने जाट भाइयों को एक बात धर्म की कह देता हूँ, मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ार पाया है, जिसमें भी जहाँ धोखा हुआ है और जिसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है उसकी थोड़ी भगवान परीक्षा जरूर लेता है थोड़े दिन, लेकिन बाद में वो अमीर बनता है और इसको ज़्यादा मिलता है ना, वो हमेशा ही बर्बाद होता है। और बताऊँ आपको क्यों? पाप का पैसा जहाँ आएगा, मैं दोनों से कह रहा हूँ, दोनों पीढ़ियों से, पिता से भी और पुत्र जाट भाइयों, सुन लो ध्यान से, अगर थोड़ी सी भी माने तो समझने कोशिश करना। पहले तो मैं इल्तिजा करता हूँ हर बुजुर्ग से कि अपने बच्चों का बंटवारा बराबर करें। चलो अब मैं बच्चों से उम्मीद अपील करता हूँ, अरे भाई समझ लो हम थोड़े गरीब के पैदा हो गए, जिसको कम मिले अपने धंधे पे ध्यान दे भाई, क्या पता भगवान रात रात को इतना आगे बढ़ा दे, कुछ ना कुछ करा देगा। अरे ये होता है, मैंने देखा खुद, मैं इस चीज़ का बहुत ही बिल्कुल भुक्तभोगी हूँ। जिसके साथ जहाँ दांडी मार ली जिसने, सबने जिसका गया वो तो अमीर बंदा देखा मैंने, और जिसको ज़्यादा मिला वो मैंने बर्बाद होते देखा। प्रकृति का कुछ नियम भी है, तो तुम ही भाई थोड़े दिन लड़ो मत, पर क्यों बर्बाद हो रहे हो, लड़ रहे हो, सर फोड़ रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, कचहरी जा रहे हो, जेल जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। अरे अपने बच्चों को पालो, लायक औलाद हो जाएगी, अपने आप नाक निकल जाओगे। ये बंटवारा ही हमारे जाटों में 80-90% झगड़े की वजह है। जो भी भाई जाट भाई मेरी सुनता हो या कोई भी जाति का लोग सुनता हो, यार प्रेम का अंत घृणा करती है और घृणा का अंत प्रेम करता है, तो प्रेम से रहो, पैसे के चक्कर में या प्रॉपर्टी के चक्कर में बीज मत बो। दोनों पीढ़ियों से इल्तिजा करता हूँ, बुजुर्ग पीढ़ी से भी और अपने भाई छोटों से भी। चलो बुजुर्ग अगर कई बार गलती कर दे तो छोड़ दे भाई, जा तो कर ले, तुम जो करना छोड़ दे, जा कर, भगवान तेरे आज्ञा होगी, बड़े शांति से लड़ो मत, पर लड़के दुनिया को तमाशा मत दिखाओ, दूर रहो। कोई बात ना भाई, तुम अपने खुश भाई, मैं अपना खुश, अपना करो, अपने धंधे में ध्यान दो बस, धंधा व्यापार करो, कमाओ, आगे बढ़ो, बस छोड़ दो, कोई बात ना भाई, मेरे भाग में था, तुम्हें यात्रा काम है। ये मेरी प्रार्थना है हर उस जाट भाई से, बुजुर्ग से भी और छोटे से, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान जरूर दे, नहीं तो कोर्ट कचहरी में बर्बादी भाई, बुरा मत मानो। मेरे मुताबिक तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वो जो लड़े, दूसरे नंबर पे वही फैसला ना करे, तीसरे नंबर पे जब पुलिस आ जाए जब फैसला ना करे, चौथे नंबर पे जब फैसला कर ले जब कोर्ट में चला जाए मिलके, तब भी ना करे तो सुन लो 10-20 साल केस लड़ने के बाद होना भाई है जो पहले होना है,
फैसला होगा कंप्रोमाइज ही, चाहे आज कर ले चाहे लुट पिट के बर्बाद होकर 20 साल बाद कर ले, 30 साल बाद कर ले, अपनी शांति की नींद खराब कर ले, दुनिया से मजाक उड़वा ले, मर्जी भाई थारी है। सबसे मेरी इल्तिजा है कोई बात नहीं, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, हमसे पहले भी थी, हमारे बाद भी होगी, हजारों साल से यूँ ही है। ये सब मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सारे जट, लड़ो मत भाई, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, जय जाट।